मेरा YouTube चैनल और मेरा नाम है नीरज नेगी। तो आज मैं आपके सामने KTM RC 200 BSS के 8 मंथ और 2000 किलोमीटर पूरे होने का ऑनेस्टी रिव्यू करूंगा कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये है मेरी KTM RC 200 BSS। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाइक का लुक जो है बहुत ही गजब है और उसमें ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा कूल है। वैसे तो हर किसी लड़के की फेवरेट बाइक है और 200cc के सेगमेंट में बाइक का पिकअप बहुत ही अच्छा है। टंकी में जो है इसके मैट कलर यूज़ किया हुआ है और टंकी जो है इसकी 9.5 लीटर की है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका मीटर कंसोल में बहुत से फीचर दिए हुए हैं, जैसे कि गियर इंडिकेटर, पेट्रोल इंडिकेटर, माइलेज शो करता है। और इसका बेस्ट फीचर है कि कितना पेट्रोल में कितना चलेगी। इसकी जो है DRL लाइट बहुत ही अच्छी है और प्रोजेक्ट हेडलाइट बहुत ही अच्छी है और रात के टाइम बहुत साफ दिखाई देता है। बैक में इसके जो है LED इंडिकेटर दिया हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले BS4 में सिंगल ABS आता था और अब BS6 में डबल ABS आता है। और इसकी BS6 में ब्रेकिंग पावर जो है बहुत ही अच्छी हो गई है। तो आइए मैं आपका इसका एक बेस्ट फीचर बताता हूँ। जैसे कि हम पहले बाइक को स्टार्ट करते हैं और अगर हम इसके स्टैंड को नीचे करते हैं तो बाइक जो है बंद हो जाती है, और जब तक हम स्टैंड को ओपन नहीं करते तो बाइक जो है चालू भी नहीं हो पाती है। ओवरऑल बाइक जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बस BS6 में जो है इसका एग्जॉस्ट साउंड थोड़ा कम है BS4 के अकॉर्डिंग, जो कि लोग BS6 में मिस कर रहे हैं। होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।